योगी आदित्यनाथ महाराज जी के राज में मेरे ही गांव के पंडित राज प्रसाद उपाध्याय निषाद पार्टी से सुल्तानपुर जनपद में सदर विधायक हैं। हमारे उनके बीच मैंने पहले भी बताया था कि रिश्ते हमेशा खराब रहे और लगातार विधायक के द्वारा मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। भैया वहीं खड़े थे, गाड़ी मोड़ के मैं भैया के पास लगाने लगा, तब तक देखा कि विजय दूर पे, उस दूर पे अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल तेज रफ्तार से आने लगे। फिर उसके बाद असलाह निकाल के भैया की तरफ ताने और मैं देखा भैया को ठेल के आगे आ गया और उसने फायर किया, गोली हमें लग गई। अखंड नगर थाने में क्रॉस FIR कराया जाता है जिसमें हमारे बेटे और उस इंजर्ड के खिलाफ लूट का मुकदमा और 307 की धारा में जानलेवा हमला करने का मुकदमा लिखा है, पंजीकृत किया जाता है। खुद नहीं बच पाया, गोली उसके पेट में लगी। ट्रामा सेंटर में वो जिंदगी मौत के बीच अभी लड़ाई लड़ रहा है। मैं राणा अजीत सिंह हूँ, ग्राम रतनपुर, थाना अखंड नगर, जनपद सुल्तानपुर का निवासी हूँ और मेरे ही गांव के पंडित राज प्रसाद उपाध्याय निषाद पार्टी से सुल्तानपुर जनपद में सदर विधायक हैं। हमारे उनके बीच मैंने पहले भी बताया था कि रिश्ते हमेशा खराब रहे और लगातार विधायक के द्वारा मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। बार बार इस बात की गुहार लगाने के बावजूद आपको बताते चलें कि 2013 में हमारे खिलाफ 302 का FIR कराया, हम बेदाग बरी हुए, पुलिस की विवेचना में हम निर्दोष पाए गए। फिर 2017 में हमारे खिलाफ 302 का FIR कराया गया, हम उसमें भी बरी पाए गए। फिर उसके बाद अभी 2 महीना पहले मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी 307 का मुकदमा लिखाया गया, उसमें भी पुलिस विवेचना में हम दोनों पिता पुत्र निर्दोष पाए गए। अभी दिनांक 10 तारीख को शाम को मेरा बेटा आ रहा था और राजप्रसाद उपाध्याय जी के समधी के बेटे विजय दुबे, जो पूरी तरह दारू के नशे में थे और गाड़ी आगे आगे चला रहे थे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रफ्तार में, 8 किलोमीटर बाद पास जब मिला तो मेरे बेटे ने गाड़ी आगे रोक के उनसे पूछा कि पंडित जी इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे गाड़ी चलाई जाती है? लेकिन वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और कहे कि लम्बरदार मैं आपको पहचान नहीं रहा था, मैं नहीं जान रहा था कि आप आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने कहा कि चाहे जो आ रहा हो आपको इस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए। बातचीत हुई, फिर वो चले गए अपने गाड़ी में बैठे, गाड़ी घुमा के मेरे बेटे के साथ जो लड़का था वो गाड़ी घुमा के सुदीप सिंह वापस ले आया और वहाँ अनजाने में खड़े थे, उधर देख नहीं रहे थे, पीछे से तब तक वो अपनी रिवाल्वर लेके विजय दुबे आया और उसने गोली मारी। संयोग ये था कि जो सुदीप था वो देख रहा था, उसने हमारे बेटे को धक्का दिया और वो इधर गिरा, लेकिन खुद नहीं बच पाया, गोली उसके पेट में लगी। ट्रामा सेंटर में वो जिंदगी मौत के बीच अभी लड़ाई लड़ रहा है। तीन जगह से उसकी आंतें फट गई। बावजूद इसके 6 दिन बाद कल की तारीख में 16 तारीख को यह सिर्फ इसलिए कराया गया है, राजप्रसाद जी के दबाव में यह सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हम इसमें सुलह कर लें, ताकि उनके बेटे को सजा न मिले। विजय दुबे के विषय में जानकारी करेंगे
तो इस तरह से कम तीन बार उसने लोगों के ऊपर हमला किया है, गोली चलाई है, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है नशे में। और मैं तो ये परेशान हूँ कि किस आधार पर यह मुकदमा लिखा गया। कोई इंजरी नहीं है, कोई लूट नहीं है, लेकिन यह कहते हुए कि सब कुछ सीसीटीवी में है, सीसीटीवी जाके देखें, जाके खंगालें। और मैं चुनौती देता हूँ कि अगर मेरे बेटे का दोष सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति ही नहीं छोड़ूंगा, संन्यास ले लूंगा सारी चीज़ों से। लेकिन योगी आदित्यनाथ महाराज जी के राज में यह अन्याय जो भी सुनता है वह कहता है कि कैसे ये हो रहा है। जो एक परसेप्शन है कि योगी के राज में न्याय होता है, वह परसेप्शन हमारे यहाँ टूट रहा है। हम आपको अभी FIR की कापियाँ मुहैया कराते हैं और आपसे कहते हैं, आप लोग खबर बनाने वाले लोग हैं, दुनिया भर की जानकारी आपको रहती है, पूरे जनपद के किसी हिस्से में पूछ लिया जाए तो इस अत्याचार की कहानी लोगों की जबान जबान पे है। आपसे गुहार करता हूँ, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।